नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चंदेवली पश्चिम एकता नगर में अधम सेवा संघ द्वारा श्री हनुमान जयंती वार्षिक महोत्सव के मौके पर भव्य रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कांदेवली के हजारों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भगवान राम का दर्शन किया और इस रामलीला का हिस्सा बने। साथ ही इस मंडल द्वारा आज महाभंडारे का आयोजन भी किया गया है। तो आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रामलीला का आयोजन किया गया है, जो रामलीला का पूरा अपना ग्रुप आयोजित किए गए हैं। उनको यहाँ के रहने वाले को बहुत खुशी और अच्छा लग रहा है, और अपने को भी करने में बहुत खुशी लगा, क्योंकि रामलीला का पूरा कहानी यहाँ पे अपने को मालूम पड़ा है। और अपने ने दूसरे को भी जो आज वहाँ पे जो किया गया है और यहाँ पे जो सब लोग को समझ में आया, उससे अपने को और खुशी है कि जो सब लोग को हम लोग एहसास दिलाएं कि ये रामलीला है, और अपने को बहुत खुशी है। और अपने को यहाँ पे कल भंडारे का भी आयोजित किया गया है। आपके क्या मंडल का नाम क्या है? अधम सेवा संघ। अच्छा, पिछले कितने साल से इस तरह का करते हैं? मैं अपने क्या बोल जाता है, हनुमान जयंती क्या बोल जाता है, अपन 5 साल से मनाते हैं, लेकिन 2 साल से रामलीला का प्रोग्राम रखा जाता है। क्षेत्र की जो लोकल लीडर है उनका कितना बड़ा सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में? लीडर का सहयोग तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो भी आते हैं, अपनी इज्जत करते हैं, इतना अपने लिए बहुत है। जो रामलीला मंडली है वो कहाँ की रहती है? ये अपना बनारसी, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह अलग अलग से होके आते हैं लोग। मैसेज क्या सर क्या बोल जाता है इसके द्वारा? अपन खाली इतना दिखाना चाहते हैं कि जो रामलीला सब भूल गए हैं कि रामलीला या जो भी अपना कर्तव्य, वो कर्तव्य अपना याद रखें, क्या बोल जाता है। आज का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 5 सालों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ की जनता जैसा हमें सपोर्ट करते जा रही है प्रतिदिन प्रतिदिन, उससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिल रही है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए। इस कार्यक्रम की तैयारी हमें 3 महीने से करनी पड़ती है। पहले रामलीला मंडली को ढूंढना पड़ता है, कैसे परफॉर्मेंस है, कैसे उनके जाके हम खुद शो देखते हैं, जिनका हमें पसंद आता है हम उनको यहाँ पे लेके आते हैं रामलीला करने के लिए। हमारी कमेटी में 12 मेंबर हैं और 12 हमेशा हर वक्त इस काम में जुड़े रहते हैं कि इसको किस तरह से अच्छे से अच्छा बनाया जाए। जी, ये अधम सेवा संघ के तरफ से कार्यक्रम 31 तारीख से 31 तारीख तक चालू है, और ये अधम सेवा संघ के संचालक श्री रमेश गुप्ता जी के तरफ से इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र या कोई इलाके या कोई जगह पर होता रहेगा। मैंने तो शायद कभी ऐसा देखा नहीं हूँ, और लेकिन ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रमेश चंद गुप्ता, अनिल गुप्ता और कमलेश सिंह और गोविंद गुप्ता के माध्यम से जो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम रखा गया है, मैं सारे इनके टीम को धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, और ऐसा प्रोग्राम हर साल होते रहे। कितने की संख्या में पब्लिक यहाँ पे? पब्लिक यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार तक के ग्राउंड आप देख सकते हैं कैमरा घुमा करके, करीबन 3.5 से 5 हज़ार रुपये 5 हज़ार के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं डेली के डेली। सुरक्षा व्यवस्था के लेकर क्या इंतजाम किए जाते? सुरक्षा व्यवस्था देखा जाए तो ठीक ही है, जो मुंबई पुलिस को करना चाहिए, जो देख रेख करना चाहिए बतौर परमिशन के साथ, चाहे माड़ा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, हम लोगों ने हर जगह लेटर डिस्पैच करके कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने एकजुट प्रोग्राम अच्छा किए हैं, उनका भी सहयोग हमारे पे रहा है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, हम लोग ने पूरी टीम बहुत अच्छे से काम किया और पब्लिक का बहुत सहयोग मिला। मतलब पिछले साल भी हमने किया था, इस बार बहुत अच्छा पब्लिक भी आया और रिस्पांस भी अच्छा है। कितने सालों से कार्यक्रम? हाँ, हम लोग पिछले ये हमारा 5वां साल है। 3 साल हमने अखंड रामायण किया था और लास्ट 2 साल से हम लोग रामलीला कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा है, लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। कितने दिन का टोटल कार्यक्रम होता है? टोटल हमारा होता है 11 दिन का प्रोग्राम, जिसमें 10 दिन हमारा रामलीला चलता है और 1 दिन हम लोग महाभंडारा कराते हैं। रामलीला के अलावा और भी कोई करते हैं? कुछ बच्चों का हम लोग पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। 3 बच्चे हैं यहाँ पे मालोनी साइड में, जिनका हम लोग एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं। आपकी टीम का कितना बड़ा सहयोग रहता है यहाँ पे? जो भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, जो चंदा के लिए जाते हैं हम लोग लेस देन 20% जाते हैं। 80% लड़के जितने हैं वो अपने जेब से लगाते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम? मैसेज में आप बोल सकते हैं कि जो
राम जी का है काम, जो उन्होंने बताया राम राज्य जहाँ पे लोग सुखी रहें, वो अगर आता है तो बहुत अच्छा है। आज के कार्यक्रम के बारे में, आज के कार्यक्रम के बारे में कहना चाहेंगे, हमारा जो हिंदू धर्म का कार्यक्रम है, हम जो रामलीला करते हैं उसके हिसाब से अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो, उसके हिसाब से हम रावण को जलाते हैं आज के दिन। हम भी कहेंगे कि अच्छाई की सदा सदा जीत हो और बुराई की सदा सदा हार होती रहेगी, और ऐसे ही हम लोग प्रोग्राम हर साल करते रहेंगे। अधम सेवा संघ की तरफ से, अधम सेवा संघ के संस्था की ओर से, श्री राम अधम सेवा संघ राज जो भी काम मतलब रामलीला का आयोजन करते हैं तो अच्छाई के जीत के लिए और बुराई का अंत के लिए। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।